हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मैं आपको जो महिला पर्यवेक्षक का फॉर्म को कैसे फिल करना है पूरा स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिना कोई किसी गलती के कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे वो बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले CGVAPM के ऑफिशियली वेबसाइट में जाना है या डायरेक्टली आपको नीचे लिंक दे दिया हूँ यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है आपका मोबाइल नंबर, आपका जो मार्कशीट है या आपका जो आधार कार्ड में जैसे नाम लिखा हुआ है A to Z वैसे लिखना। अगर आपका मिडिल नेम है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। अगर सरनेम आपके नहीं लिखा है तो मत लिखिए। उसके जगह क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डॉट लगा देना है। अगर नहीं है तो सिर्फ डॉट लगा दीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो डॉट लगा के भी आगे आप बढ़ सकते हैं, सिर्फ नेम लिख लीजिए। ठीक है, सक्सेसफुल हो जाने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेंगे। ये पहला प्रोसेस हो गया। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका इस तरह ओपन हो जाएगा, आपके नाम से पूरा सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना है, आधार कार्ड से लिंक करना है। ठीक है, ये आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। आपका बिना मिस्टेक किए यही आपका एक सॉल्यूशन है कि यहाँ से आप जो है आधार कार्ड से लिंक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो बहुत अच्छा है कि आप वेरीफाई OTP के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तब आप आपके नियरेस्ट जो सेंटर होगा, चॉइस सेंटर, वहाँ चल दीजिए, बायोमेट्रिक तरीके से यहाँ वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, अगर है तो आप मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालिए, आपके मोबाइल में OTP आएगा, वेरीफाई कर लीजिए, सक्सेसफुली हो जाता है, बहुत इजी रहता है, कोई टफ नहीं है ये। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट लगता है तो पासवर्ड वासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे चल देते हैं बैक। जैसे ही सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद में अब यहाँ पे जितने भी वैकेंसी जो अभी करेंट में आए रहेगी वो यहाँ पे आपको शो होगा। अप्लाई करने से केयरफुली आप एक बार फिल कर लेंगे, प्रोफाइल में जाके कोई भी डाउट हो तो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करना, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है तो यहां से आपको मिल जाएगा कि क्या क्या पोस्ट आया है, क्या है, सारी जानकारी मैंने पहला वीडियो में बता दिया। अब यहां पे सिर्फ मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहां पे सिर्फ आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। अप्लाई पे क्लिक किए तो देखिए यहां पे बोल रहा है यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू द आधार कार्ड इज़ नॉट वेरीफाई। जब तक आप आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका आगे जो है नहीं होगा बोल रहा है। तो चल जल्दी से मैं क्या करता हूँ, ID को वेरीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिए, जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा ना तभी आप जो है इसको अप्लाई कर पाएंगे, बिना वेरीफाई किए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब अप्लाई करके दिखाता हूँ। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म खुल जाएगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था यहाँ पे दो भर्ती हो रही है, खुली भर्ती है और एक जो पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं, पर ये देखें परिसीमित सीधी भर्ती, जो पहले से 5 साल से काम कर रहे हैं उन लोग के लिए। तो यहाँ पे मैं सुपरविजर कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि खुली सीधी भर्ती है। अब यहाँ के लिए पूछे क्या आप आवेदित पद के लिए निहारताएँ अपेक्षित अर्हताएँ रखते हैं, तो यस करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो आगे नहीं खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, तहसील का ऑप्शन आ रहा है और पोस्ट ऑफिस का आ रहा है कि भाई आपका डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट क्या आता है। जैसे आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसके अंतर्गत में तहसील होता है, पोस्ट ऑफिस होता है। तो वो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ जल्दी से। अगर ये चीज़ आपको देखना है तो आप अपना आधार कार्ड में देखेंगे, वहाँ पे सारा चीज़ लिखा रहता है कि मेरा तहसील क्या है, ये है पोस्ट ऑफिस का, ये पूरा वहाँ पे आपको लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे धमतरी धमतरी मैंने डाल दिया, आप सबमिट करूँगा। ये देखिए सारी जानकारी, अब यहाँ पे आपका नाम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, अगर आप मैरिड हैं, जो भी है पूरे सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट क्या था, धमतरी था, सब डिस्ट्रिक्ट क्या, पूरे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। केयरफुली सारा चीज़ आपको चेक कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना। अब यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पूछा है, एग्ज़ाम सेंटर सभी जिलों में होगा, लगभग 30 जिलों में होगा जहाँ जहाँ अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे जो आपका जो सेंटर, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे डाल देते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या आप हैंडीकैप हैं क्या, अगर हैं तो यस करेंगे, उसके बाद पूरी जानकारी देना है। अब यहाँ से पूछा है आपकी, यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होते हैं कि एक वर्ग क्या क्या पूछ रहा है, वर्ग का मतलब यस करेंगे ना, तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक की बात हो रही है, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उन लोग की बात हो रही है। तो आप नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे घोषणा पत्र में आई एग्री करेंगे, जो कैप्चा कोड दिया हुआ है ये इसको फिल कर देंगे। चले कर देता हूँ मैं, सारा चीज़ सही हो जाने के बाद में, ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सारा चीज़ सही है तो सबमिट कर दीजिए। देखिए आवेदन करने से पूरे एक बार चेक कर लेना पूरा, क्योंकि आपको संशोधन नहीं होगा, तो फाइनल दे दिया है आपको। सबमिट करने से पहले अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा चीज़ चेक कर लिया और यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ और सबमिट कर दूँगा। देखिए मेरा एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है, ये देखिए। अब आपको चेक करना होगा तो यहाँ पे नीचे पे आएंगे, सक्सेसफुली एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो आपने यहाँ से जितना भी फॉर्म फिलअप किया होगा
सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे अभी मैंने जस्ट अभी देखे ये फॉर्म को खुला है, यहाँ देख खुली सीधी भर्ती के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। कोई भी चार्जेस आपको फीस नहीं देना पड़ता। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा।